जयपुर में आज धर्मसभा हुई और ये डिसाइड हुआ कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। सर, धर्मसभा हुई है पूरे राजस्थान से, पूरे देश भर से तमाम धर्मगुरु, शास्त्री, प्रोफेसर सब आए हैं और ये डिसाइड किया कि 31 अक्टूबर को मनाएंगे। क्या तर्क रखा गया, किस तरह का वाद विवाद हुआ? देखिए, वाद विवाद का नहीं, धर्म हमेशा संवाद का विषय वस्तु हुआ करता है, वाद विवाद धर्म में नहीं हुआ करते हैं। मीडिया को भी समझना चाहिए कि किसी भी कोई भी ऐसा आगे अवसर आए उस समय पर धर्मशास्त्रियों से प्रश्न करें, ना कि स्वयं पंचांग या फिर अन्य किसी प्रकार से कैलेंडर को देखकर निर्णय किए जाएं। समस्या यही है कि हम लोग धर्मशास्त्राचार्यों से तो पूछते नहीं हैं और स्वकीय मस्तिष्क लगा करके अपनी बुद्धि के अनुसार हम निर्णय देने लगते हैं। तो सारे विद्वान एकत्रित हुए और सबने एक मत से अपने समस्त दृष्टिकोण, अपने वैदुष्य के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से यहाँ पक्ष रखा और पक्ष के बाद में एक मत से सिद्धांतीय पक्ष को मान करके अन्य अन्य उदाहरणों के द्वारा 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाने का यहाँ धर्मादेश पारित हुआ। विद्वान परिषद की ये सभा थी, तो क्या ये राजस्थान, जयपुर या पूरे देश के लिए? आप एक बात बताइए कि क्या सूर्योदय का समय पूरे भारत में एक है क्या? नहीं है। तो कभी भी जब तिथियों का निर्णय किया जाएगा, सूर्योदय, चंद्रोदय, सूर्यमान, दिनमान, रात्रिमान के आधार पर किया जाएगा। जब सर्वत्र सूर्योदय के समय में अंतर आता है, आप अपनी कुंडली में मनाते हैं तो क्या आप अपना जन्म स्थान नहीं लिखते हैं क्या? तो वहाँ के अक्षांश और देशांतर भिन्न भिन्न होते हैं ना, उसी प्रकार से तिथियों का मान निकालने में भी अलग अलग प्रकार से दीपावली के क्रम में यह स्थिति बन रही है। परंतु फिर भी संपूर्ण भारतवर्ष में 31 अक्टूबर की ही दीपावली मनाई जानी तय हुई। लेकिन यूपी में एक यूपी में मथुरा में भी और यूपी में काशी जी से प्रकाशित समस्त पंचांगों में 31 अक्टूबर 2024 को ही दीपावली के लिए संकेत किया गया है। ऐसा क्यों होता है कि हर बार हिंदुओं के त्यौहार में ही कन्फ्यूजन हो जाता है? हिंदू वर्तमान में हिंदू रहा ही नहीं है। हिंदू अपने आचार्यों की बात माने ना, धर्मशास्त्रियों की बात माने ना, स्वकीय बुद्धि को लगा करके जब आगे चलेंगे। इसलिए गीता में भगवान ने पहले ही कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न परामगतिम। तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणंत कार्यकारे व्यवस्थित, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। तो भगवान की आज्ञा को मान करके शास्त्र की आज्ञा मानिए, ना कि मीडिया की या किसी व्यक्ति विशेष के कह देने मात्र से। अंतिम सवाल, एक तारीख और 31 में क्या वो बात थी कि 31 रहा, इसके लिए आप बताइए। ऐसा है, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारे त्योहार कहे गए हैं, उनमें व्रत होते हैं, ठीक है, उपवास होता है, श्राद्ध होता है, ठीक है। इन सब के लिए जो तरीके बताए गए हैं ना कि किस दिन तिथि होनी चाहिए, वो भिन्न भिन्न है। अभी क्या होता है कि वो तो एक धर्मशास्त्र का व्यक्ति ही आपको ये बताएगा कि किस उत्सव के लिए कौन सी तिथि मनाई जानी चाहिए। यही विषय मैंने अपने व्याख्यान में भी कहा, जब हम दीपावली के प्रदोष काल में मनाते हैं, जो कि सूर्यास्त के बाद 6 घड़ी रहता है, तो 6 घड़ी काल में ये अगर प्रदोष काल में अमावस्या नहीं होगी तो उस दिन दिवाली नहीं होगी। 31 को उस चूंकि पहले लग रही है तो 6 घड़ी पूरी रह करके अगले दिन चली जा रही है। अगले दिन भी क्या हो रहा है, कुछ पंचांगों में तो है ही नहीं, सूर्यास्त से पहले खत्म हो गई तो समस्या खत्म हो गई। कुछ पंचांग ऐसे हैं वो जो बता रहे हैं कि साहब नहीं, सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय रही लेकिन पूरे प्रदोष काल में नहीं रही। तो अब अपना अपना निर्णय अपने अपने ढंग से लोग कर रहे हैं, जबकि शास्त्र यह कहता है कि जब 2 दिनों में जो काल निश्चित है उसमें कोई तिथि रहती हो तो फिर उसका निर्णय करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पहले दिन पूरे काल व्यापिनी है और अगले दिन बहुत कम है, ऐसी दृष्टि में इस प्रकार के परिस्थिति में निर्णय उस समय होगा, क्योंकि आधी रात्रि को आपने लक्ष्मी पूजन भी करना है और भी सारी कई चीज़ें हैं। तो अब लोग कहते हैं चतुर्दशी से जुड़ी हुई नहीं करनी चाहिए, वो इन चीज़ों के लिए नहीं है, वो अन्य की नहीं, जो और भी कर्म हुआ करते हैं उन कर्मों के लिए हुआ करते हैं। तो एकमात्र निर्णय का कारण ये है, प्रदोष काल पूरे में अमावस्या रह करके रात्रि पर्यंत रह रहे हैं। सर, ये सवाल ये जरूर पूछूंगा कि विद्वान परिषद की आज सभा हुई, तो इसमें जयपुर के राजस्थान के गुरु धर्मगुरु है या पूरे देश भर के? नहीं नहीं, ऐसा है कि हमारे कैंपस में इन्होंने किया, तो हमारे कैंपस की ये विशेषता है कि ये 12 कैंपस है, ट्रांसफर होते रहते हैं। ईश्वर भट्ट जी हमारे यहाँ ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष, जो कर्नाटक से है, ऐसे ही विष्णुकांत पांडे, मतलब हर व्यक्ति काशी से है कोई है, तो हमारे यहाँ के लोग तो सब जगह से हैं, इसलिए संभवतः इन्होंने हमारा स्थान चुना कि यहाँ चूंकि एक विषय भी है
प्रोफेसर्स भी हैं, ये सब भी हैं, तो मिलकर के यानी कि जो एक सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन फैला था 1 तारीख या 31 तारीख, तो वो आज अपना यहाँ से निकल गया और आपने तर्क भी दिया कि ये तर्क है और इस वजह से 31। मैंने आपको कहा कंफ्यूजन के कारण इतने ही हैं कि आपको ये मालूम है कि इससे जुड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इन इस कर्म के लिए जरूरी है कि नहीं है, आप समझ। मैंने बताया आपको हमारे यहाँ देव कर्म अलग होता है, पितृ कर्म अलग हुआ करता है। देव कर्म का निर्णय अलग और पितृ श्राद्ध आदि कर्म का निर्णय अलग होता है। उदाहरण के लिए बता दूं, व्रत रखना हो तो जिस तिथि में सूर्य चढ़े, और पितृ कर्म करना हो तो जिस तिथि में सूर्य अस्त हो जाए। शुक्रिया महाराज जी। हाँ। तो ये शास्त्र की बातें हैं जो पंचांग आप चले जाएंगे, कोई पंचांग निकाले, मोबाइल बनाने वाले के पास मोबाइल के सारे ज्ञान नहीं हुआ करते हैं, तो उससे जो पूछेंगे वो आपको ज्ञान बताएगा। तो आप इस तरह के लोगों से मिलें, ये हमारा मीडिया से है, आपके पास संस्थाएं हैं, सब कुछ हैं, फिर एक और बहुत लोगों ने बहुत पंचांग बना दिए हैं, कुछ लोगों के इतने पंचांग हैं एक ही जने के, उससे भी भेद फैलता है, आप लोगों को लगता है 20 पंचांग बोल रहे हैं। अच्छा एक एक सवाल पूछूंगा, 1 तारीख कुछ लोग जैसा कि यूपी में आया कि 1 तारीख को मान रहे, तो वो कहां तक गलत? वो 1 तारीख को इस दृष्टि से मना रहे हैं कि वो देखिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ दी, कुछ लोगों ने जोड़ा साहब उदय में जो तिथि वो लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप अमावस्या प्रदोष करवा चौथ कब रखते हैं? रात्रि में अगर चतुर्थी हो तो। प्रदोष व्रत कब रखते हैं? जो प्रदोष काल में तिथि हो तो त्रयोदशी, सुबेरे द्वादशी है त्रयोदशी, प्रदोष काल में त्रयोदशी का व्रत, प्रदोष का व्रत होता है, बात समझ गए ना। तो कुछ लोगों ने अपनी दृष्टि से उसको जो और जगहों पर लगती हैं चीजें अपने ज्ञान से इस जगह पे जोड़ दिया है, तो अपने आप से कर रहे हैं। यानी कि किसी का को नहीं कहूंगा, लेकिन शास्त्र जिनकी किताबों की हम बात कर रहे हैं उस दृष्टि से। यानी कि एक बार यूपी में फिर आप विद्वान परिषद की बैठक के बाद फिर पूर्ण विचार कर सकते हैं यूपी धर्मगुरु, ये उनके ऊपर है। देखिए विद्वान वकील होते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विद्वान परिषद की सभा हुई, धर्मगुरु और तमाम प्रोफेसर सातरिया जयपुर में जुटे, और यहाँ से ये निकल के आया निर्णय कि 31 अक्टूबर को दिवाली देशभर में मनाई जाएगी। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।